विपुल शाह का कहना है कि या तो आप लड़कियों के दर्द के साथ हैं या फिर उन जालिम आतंकवादियों के साथ, और मैं लड़कियों के साथ हूँ। ऐसे दावे तो सभी फिल्म मेकर करते हैं, लेकिन सच दिखाने की हिम्मत सभी में नहीं होती है। और ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल सोशियो पॉलिटिकल क्राइम ड्रामा मूवीज का ऑनेस्ट रिव्यू करना भी सभी के बस की बात नहीं है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, शायद कुछ बहनों की जिंदगी बच जाए। इस रिव्यू के बाद शायद मुझे गालियां भी मिले, कुछ लोग अंधभक्त भी बोलेंगे, बट इन सबसे डरकर सच से मुंह नहीं मोड़ सकते। द केरला स्टोरी इज इंस्पायर्ड बाय द ट्रू स्टोरी ऑफ मेरिन जेकब, सोनिया सेबास्टियन एंड निमिषा, जिनको इस्लाम में कन्वर्ट करके फाइनली ISIS के चंगुल में फंसा दिया गया था। यह फिल्म उन्हीं की कहानी को दर्शाती है जो लव जिहाद, ब्रूटल इनह्यूमन क्राइम्स जैसे रेप, सेक्स स्लेवरी, रेडिकलाइजेशन एंड ISIS रिक्रूटमेंट जैसे दर्दनाक घटनाओं को बेबाकी से दिखाती है। सच इतना भयावह और डिस्टर्बिंग है कि कई जगह ऐसा महसूस होता है कि यार इतना भी सच नहीं दिखाना था। फिल्म के ओपनिंग सीन में घायल अदा शर्मा को UN के इंट्रोगेशन सेंटर में दिखाया जाता है, जहां वो अपने ISIS तक पहुंचने की जर्नी सुनाती है, और यहाँ से शुरू होता है द केरला स्टोरी। ओपनिंग क्रेडिट सॉन्ग में फटाफट ऑडियंस को अदा शर्मा की बैक स्टोरी से इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। अदा कसारगोड़ में नर्सिंग कॉलेज ज्वाइन करती है, जहाँ वो दो और लड़कियों से मिलती है जिनका ब्रेन वॉश करके इस्लाम धर्म में कन्वर्जन कराया जा चुका है। कैसे अदा शर्मा या शालिनी उन्नी कृष्णन का ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण किया जाता है और किस तरह वो ISIS तक पहुंच जाती है, यह फिल्म का मेन थीम है। लेट्स डाइसेक्ट द मूवी नाउ। डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने द केरला स्टोरी में डॉक्यूमेंट्री फीचर फॉर्मेट फॉलो किया है, और स्टोरी टेलिंग लीनियर नहीं है। कहानी पास्ट और प्रेजेंट में ऑसिलेट करती है, और पास्ट और प्रेजेंट को डिफरेंट कलर टोन में दिखाया गया है, जो कैरेक्टर्स के इमोशन को भी डिपिक्ट करता है। एडिटर ने पैरेलल स्टोरी लाइन को भी अच्छे ढंग से दिखाया है, जो कि ऑडियंस को बांधे रखती है। हालांकि ब्रूटल वायलेंस रेप सीन्स को थोड़ा लंबा रखा है, जिससे ऑडियंस की एगनी बढ़ती है। प्रेजेंट स्टोरी लाइन में बहुत सारे क्लोज अप शॉट्स और लॉन्ग शॉट्स भी हैं। द केरला स्टोरी की स्टोरी काफी एंगेजिंग है और ऑडियंस को अंत तक बांधे रखने में सफल है। परफॉर्मेंस की बात करें तो अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सोनिया बलानी और सिद्धि इदनानी सभी ने जबरदस्त काम किया है। फिल्म में कहानी केरल की है, लेकिन सभी कैरेक्टर्स को ज्यादातर हिंदी बोलते हुए दिखाया गया है। हालांकि केरल के लोग इतनी हिंदी में बात नहीं करते हैं, लेकिन कहानी को समझाने के लिए भी जरूरी था। फिल्म ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है, इसलिए इसे प्रोपेगेंडा कहना गलत होगा। इसमें कुछ सीन्स ऐसे हैं जो आपको अंदर से रुला देगा, हिला देगा। एक सीन है जहां पे एक लड़की इनके बहकावे में नहीं आती है, तो 15-20 लोग उसका रेप करते हैं। किसी भी धर्म में ऐसे कुकर्म की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, और सभी को मिलकर इन चीजों का विरोध करना चाहिए। ये मूवी अवेयरनेस के लिए जरूरी है। करंट जनरेशन और आने वाली जो जनरेशन है, उनको भी ये फिल्म देखना मस्ट है। कैसे कुछ लोग अपना मकसद पूरा करने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर वुमेन, मेन एंड फैमिली नीड्स टू सी दिस एंड अंडरस्टैंड। ये किसी के साथ भी हो सकता है। इस फिल्म को जरूर देखें और इन लड़कियों के दर्द को समझे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल बजाना ना भूले, ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। Thank you.